भीगी भीगी रातों में आवारा बरसातों में देखी जो तेरी अदा। दोस्तों, शांति प्रिया का जन्म आंध्र प्रदेश के राज मंदूरी के पास रंगमपेटा गांव में 22 सितंबर 1969 को एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था। तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों। बाद में उनका परिवार चेन्नई तमिलनाडु चला गया था। उनकी बड़ी बहन भानु प्रिया है, जो 1980 के दशक से फिल्म अभिनेत्री हैं। एक्ट्रेस शांति प्रिया अक्षय कुमार की पहली हीरोइन के तौर पर जानी जाती हैं। वो अक्षय कुमार की पहली फिल्म सौगंध में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थी। लेकिन हिंदी के साथ साथ वो साउथ में भी काफी पॉपुलर रही हैं। उन्होंने तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी खूब काम किया है। इसके बाद वो लंबे समय तक इंडस्ट्री से दूर हो गई थी। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। आज हम आपको उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, बॉलीवुड और साउथ एक्ट्रेस शांति प्रिया सहनशीलता की एक मिसाल मानी जाती हैं। उन्होंने काफी मुश्किल भरे दौर देखे, मगर हौसला कभी नहीं हारा। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं दीवाना। एक्टिंग करियर में सांवले रंग की वजह से काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। शादी के 5 साल में ही ईश्वर को उनकी खुशी रास नहीं आई और भगवान ने पति सिद्धार्थ को उनसे छीन लिया था। साल 1999 में उनकी शादी हुई थी। भीगी भीगी रातों में आवारा बरसातों में देखी जो तेरी अदा। और 2004 में पति का निधन हो गया था। इस शादी से एक्ट्रेस को 2 बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने पति के जाने के बाद अकेले ही संभाली। उन्होंने अक्षय कुमार के अलावा दूसरे कलाकारों जैसे मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी कई फिल्में की हैं। मुश्किलों के बाद भी शांति टूटी नहीं। उन्होंने साल 2008 में माता की चौकी से टीवी सीरियल में वापसी की थी। ये धारावाहिक साल 2011 तक टेलीकास्ट किया गया था। शांति प्रिया 53 साल की हो गई हैं। 35 साल की उम्र में वो बड़े पर्दे से दूर हो गई थी। इन 18 सालों में एक्ट्रेस का लुक काफी बदल गया है, जिसमें उन्हें पहले की तुलना में पहचान पाना काफी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की महान अभिनेत्री शांति प्रिया कैसी लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।